Hey, hello everyone, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं शूट इंडिया, जब हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट, जो कि है एक टेबल लैम्प। तो यहाँ पे है हमारे पास Amazon का बेस्ट सेलिंग विप्रो गार्नेट 6 वॉट LED टेबल लैम्प, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसके Amazon पे ओवर 15,000 रिव्यूज हैं, बहुत अच्छी रेटिंग दी, तो हमने सोचा हो सकता है यार बहुत अच्छा लैम्प हो, तो आज हम टेस्ट करके बताने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इसको अनबॉक्स करके, देन बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, देन देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स का ये दावा करता है, एंड लास्ट में बताएंगे कि क्या आप जो इसमें पैसे लगा रहे हैं उसके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो गाइस, ये जो लैम्प है हमारे पास, इसका जो MRP है वो 1500 इस पर मेंशन है, बट आपको ये अराउंड 1200-1300 के आसपास मिल जाता है, एंड कई बार सेल होती है तो उसमें और सस्ता भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स आता है, बाहर से ऐसा दिखता है, यहाँ पे मेंशन है इसकी ब्रांडिंग। लेफ्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, अगेन कुछ डिटेल्स है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इसके फीचर्स मेंशन है, जो कि बोल रहा है सॉफ्ट एंड ग्लेयर फ्री लाइट है, एडजस्टेबल डिज़ाइन है, इजी टच कंट्रोल है, इसमें कैपेसिटिव कंट्रोल है, मतलब बटन ही सिर्फ टच करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, देखते हैं। एंड 3 लेवल डिमिंग इसमें आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये रहा हमारा लैम्प डायरेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक इसका आई गेस अडैप्टर, इसको रखते हैं साइड में। देन आता है हमारे पास लैम्प इटसेल्फ, तो ये आ गया है लैम्प। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल एंड नथिंग एल्स। इसको मैं वापस अंदर रख देता हूँ, बॉक्स खाली हो गया है, बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो ये आ गया है हमारे पास लैम्प, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं बबल रैप में से, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ओके, कुछ इस टाइप का ये लैम्प दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर से अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है, इसको आप ऐसे ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अच्छा एक काफ़ी सॉफ्ट सा हिंज इसमें दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी इजीली एडजस्टेबल है, आप इजीली इसको ओपन कर पाएंगे, है ना, ज़्यादा टाइट है ना ढीला है, कंफर्टेबल लगा मुझे ये। ओके, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देखने को आपको मिलता है, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन एकदम दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक अडाप्टर, जिसको आप आई गेस यहाँ पे पीछे कनेक्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक DC अडाप्टर इसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये वाला जो लैम्प है गाइस, ये वाला लैम्प रिचार्जेबल नहीं है, मतलब अगर आप उसको यूज़ करना है तो आप इसको वॉल सॉकेट में लगा के ही यूज़ कर पाएंगे, ये अगर लाइट चली जाती है तब आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये बात दिमाग में रखिएगा ध्यान से। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमको सिर्फ एक बटन यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ विप्रो की ब्रांडिंग है, तो बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। एंड ये एक फिजिकल बटन नहीं है, आप ऐसा टच करेंगे तो ये दबेगा नहीं, बस यहाँ पे कैपेसिटिव टच बटन है, जब आप इसको पावर से कनेक्ट करेंगे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसको हमने कनेक्ट कर लिया वॉल सॉकेट में, आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी वायर जा रही है ना। मैं स्टूडियो की लाइट बंद कर देता हूँ। ओके गाइस, स्टूडियो की लाइट बंद हो चुकी है, एंड हमने इस लैम्प को पावर में भी कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बटन है इसको एक बार मैं टच करता हूँ सिर्फ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि इसको बस मैं एक बार टच करूँगा। ओके, तो इस टाइप की लाइट यहाँ पे जल गई है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे अभी जो लाइट है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन में आती है, तो अभी तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे वाइट एंड वार्म वाइट LEDs के कॉम्बिनेशन दे के रखा है। तो जैसे ही मैं देखिए इसको शिफ्ट करता हूँ तो अभी दोनों साथ में जल रही हैं, अगेन मैं टच करता हूँ तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कोल्ड कलर दिख रहा हूँ, सिर्फ अभी वाइट LED जल रही है। देन अगेन मैं टच करता हूँ तो थोड़े से वार्म कलर ऑरेंज दिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वार्म वाइट LEDs जल रही है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको 3 लाइट मोड्स मिलते हैं, है ना, कौन कौन से मिलते हैं, सबसे पहले ऑफ होता है, देन सबसे पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन वाइट एंड वार्म वाइट का, देन सेकंड वाला होता है सिर्फ वाइट का, देन थर्ड वाला होता है सिर्फ वार्म वाइट का। तो आप ऐसे ये 3 मोड्स में जा सकते हैं, इनको स्विच कर सकते हैं बस बटन को टच कर करके। अब आपको लग रहा होगा इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, तो डेफिनेटली गाइस इसको आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो बटन दिख रहा है, ये जो कैपेसिटिव सा बटन है, इसको मैं अगर छू के रखता हूँ तो आप देखेंगे कैसे ब्राइटनेस चेंज होती है। देखिए इसको मैंने टच करके रखा है तो आप यहाँ देख पा रहे ब्राइटनेस बढ़ गई है ना, सिर्फ मैं टच करके रखा हुआ है इसको, तो आप यहाँ देख पा रहे कितनी बढ़ गई है ब्राइटनेस। अब अगर मुझे इसे कम करना है तो अगेन सिर्फ मैं इस बटन को छू करके रखूँगा तो आप देख सकते हैं डिम होती जा रही है ना, एंड ये बिल्कुल जीरो। तो ओवरऑल आप इसे इतनी कम ब्राइटनेस तक लेके आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कितनी कम लाइट है, एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि मुझे एक पर्सनली एक ऐसा लैम्प चाहिए था जिसकी ना लाइट इंटेंसिटी मैं चेंज कर सकूं, और लाइट इंटेंसिटी इसमें कंटिन्यूस है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ रुकेगी, नहीं, एक कंटिन्यूस बैंड है, आप अपने हिसाब से अपने कम्फर्ट लेवल के हिसाब से इंटेंसिटी को चेंज कर पाएंगे। तो ये मुझे इस लैम्प का बहुत अच्छा फीचर लगा था कि आप इसको छू के सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, एंड देखिए कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है, एंड देन वापस छू के इसकी
आप इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कैसा पढ़ने का मूड है, कितनी लाइट आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप लाइट कंट्रोल कर पाएंगे। तो भाई स्टूडियो की लाइट्स वापस ऑन हो चुकी हैं। तो ये था हमारा लैंप कुछ जिस टाइप से दिखता है। आप इसको सिविल भी कर सकते हैं, ऐसा टेढ़ा हाड़ा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे तो आप इसको कर ही सकते हैं इसकी आर्म को। तो ये काफी अच्छा मुझे लैंप लगा। अब हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इसके बारे में, तो इस लैंप का जो प्राइस आपको पड़ता है वो पड़ता है 1200 रुपीज। मुझे 1200 के पड़ा था, 1500 एमआरपी इसका, तो 1200 रुपये में डेफिनेटली थोड़ा सा ऑन हायर साइड चला जाता है। बट इसके अच्छे फीचर्स ये हैं कि आपको तीन मोड्स मिलते हैं, वार्म वाइट भी मिलता है, वाइट भी मिलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इंटेंसिटी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, जो मैक्सिमम लैंप में नहीं आता है। इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये दो इसके सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट है। इसका जो अगर मैं बात करूँ कितने वॉट का है, तो ये 6 वॉट का है। बट आपको मैं ऐसा जनरल बता देता हूँ, आप वॉट पे मत जाइए, रेगुलर यूज़ के लिए अगर आप करते हैं ना, इवन इतने लाइट भरे इन्वायरमेंट में या एकदम डिम इन्वायरमेंट में भी, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मैंने इसको यूज़ कर रखा है, यानी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका सर्विस। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की कि क्या बुरी बात है इसमें। तो गाइस सबसे बड़ा जो इसमें कॉन है वो एक तो आप बोल सकते हैं प्राइस, बट अगेन 1200 रुपये इज़ ओके। सेकंड सबसे बड़ा जो मुझे कॉन लगा वो ये था गाइस कि ये रिचार्जेबल नहीं है। तो अगर लाइट चली जाती है ना, तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप तैयारी करें किसी एग्जाम की, तो वहाँ पे लैम्प हम लेते ही काफ़ी स्टूडेंट्स लिए हैं ताकि लाइट चली जाए तो हमारे पास एक सोर्स रहे। तो अगेन वो इस चीज़ में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये रिचार्जेबल नहीं है, है ना। बस वो आप ध्यान रखिएगा उनमें। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जैसे फॉर एग्जांपल आपको इवन लाइट भी है तब भी आपको सारी लाइट बंद करके लैम्प में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है। या फिर आप मेरे जैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिसको थोड़ा बहुत लाइट सोर्स चाहिए एंड फोकस करने के लिए, जैसे मैं पेन टेस्ट करता हूँ तो I need a light source, dedicated light source कि वहाँ पे रहे, तो उसके लिए this is a very good thing, ठीक है। बाकी अगर आपको rechargeable चाहिए then you should look for any other product। तो ये था guys हमारा इस Vibro के lamp का review। आपको ये review कैसा लगा एंड आपको क्या ये product पसंद आया, मुझे comment section में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसे ही अगर और कोई query भी हो आप, तो आप नीचे comment section में mention कर सकते हैं, मैं उसका answer ज़रूर कर दूंगा। तो मैं मिलने वाला हूँ guys आपको next video में, तब तक के लिए आप हमको Instagram पे तो follow कर ही सकते हैं, साथ साथ में आप हमारे ये दो interesting video भी देख सकते हैं। ऊपर वाला वीडियो में आप देख पाएंगे कि एक वाटर कलर और एक पोस्टर कलर में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही साथ जो नीचे वाला वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं मिलने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।